विद्युद्धाम शम प्रभा मृगपति स्कंदे स्थित भीषण कन्या भी करवालखेट विलसम दस्तावीरा सेविता हस्ते शक्र गदा सखेट विषकम चापम गुणम तर्जनी बिभ्राणाम अनलात्मिकम सदरम दुर्गाम त्रिनेत्रम भजे। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। दर्शकों, एस्ट्रोयोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं जून महीने के मासिक राशिफल की। जून महीने में जो शुरुआत हुई है वो मकर लग्न और मेष राशि से शुरुआत हो रही है। उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो मासिक कुंडलिका में चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा विराजमान हैं, जो कि शुभ योग बना रहे हैं। सातवें पांचवें घर में बुध आदित्य योग बना रहा है, जो कि विद्या और संबंधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंगारक दोष मासिक कुंडलिका में छठे घर में है, जिसका भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव राशियों में जाने वाला है। और मासिक कुंडलिका में लाभ घर में बृहस्पति वक्र हैं, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। और बारहवें घर में जो है शनि वक्र हैं केतु के साथ, उसका भी अलग विपरीत प्रभाव रहने वाला है। मासिक कुंडलिका में शुरुआत के समय जो ग्रहों की स्थिति है उसका जो है आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार का वो लाभ या हानि आदि चीज़ें कर सकता है, ये जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देंगे। और अपनी राशि का पूरी जानकारी कि आपकी राशि में इन ग्रहों की स्थिति से क्या प्रभाव रहने वाला है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का प्रयास भी करें। दर्शकों, आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट पे आपका सामान्य है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटी मोटी कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, परेशानियाँ हो सकती हैं, और वो सावधानियाँ आपने रखी तो हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और अगर आपने नहीं रखी तो फ्यूचर में ये चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। तो अभी जून का महीना तो सामान्य है, बट फ्यूचर के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके स्वास्थ्य को सामान्य रूप बेहतर बना सकता है। आगे बात करते हैं आपके लव लाइफ और आपका दाम्पत्य जीवन। जो लव लाइफ वालों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, जो उम्मीद जो अपेक्षा आपने अपने लव से रखी थी वो होने वाली है, और निश्चित है कि आप अपने जीवन में एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनका जो इंतज़ार है जून के महीने में ख़त्म होने वाला है, आपकी इंतजार घड़ी पूरी होती है, आप अपने फ्यूचर को अपने रिश्ते को जी सकते हैं। आगे बात करेंगे दाम्पत्य जीवन, जो हमारी शादीशुदा लाइफ होती है ये भी काफ़ी सामान्य स्थिति में है। अगर जिन लोगों का पिछले समय से प्रॉब्लम थी, इस महीने काफ़ी बेहतर आप अपने रिश्ते को देखेंगे, और जो लोग कहीं ना कहीं शुरुआत मतलब अच्छी चल रही थी यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को उनको मिलेगा। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सामान्य की स्थिति से आगे बढ़कर एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, आपके लिए दिख रहा है जून के महीने में। आगे हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर में शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। व्यापार वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है, अनुकूलित समय इसको मैं कह सकता हूँ। जो अपेक्षाएं अपनी व्यापार से आपको थी, जो लाभ की अपेक्षा आप रखते थे, जिस ग्रोथ की अपेक्षा आप रखते थे, वो अपेक्षा आपकी जून के महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी गति से आगे बढ़ते रहे, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं नए बिजनेस की, अच्छा समय है, शुरुआत कर सकते हैं, आपका व्यापार भी एक अच्छी गति में आगे बढ़ेगा। करियर में आगे हम बात करेंगे जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा समय है, उनका मनोकामना वाला समय है। जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होने वाली है, चाहे वो परिवर्तन की थी, चाहे वो कोई नए स्थान पर जाने की थी, जहाँ भी इच्छाएं थी उन इच्छाओं को जून के महीने में उससे संबंधित पहले तो होगा नहीं तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो आपका क्षेत्रीय बहुत अच्छा है, और साथ में जो अनएम्प्लॉयड थे लंबे समय से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है, उनको भी सफलता जरूर जून के महीने में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है। थोड़ा सा खर्चा जो है इस महीने में देख रहा हूँ, और खर्चा आपको उचित खर्चा, मैं कह सकता हूँ उसको फिजूल खर्ची नहीं कहूँगा, कुछ उचित खर्चा है वो आपको करना ही पड़ेगा। उससे हो सकता है कि आपको लगे कि आपका बजट जो है गड़बड़ा रहा है,
परंतु घबराए नहीं, आगे चलकर वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो लाभ के संकेत है वो भी धीमा है बट अच्छा है। तो आपका जो फाइनेंस की जो कंडीशन है वो सामान्य अवस्था में जून के महीने में मैं देख रहा हूँ। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका या कुंडलिका से ये भिन्न हो। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और अपनी कुंडलिका के अनुसार बारीकी से जानकारी लेने के लिए आप एस्ट्रोयोगी पर मुझसे परामर्श कर सकते हैं। एस्ट्रोयोगी पर परामर्श करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रोयोगी।